हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि JKP कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आ चुका है। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, JKP के एग्ज़ाम को ही लेके। आज हम डिस्कस करेंगे फुल मॉक टेस्ट 01। जो पहला मॉक टेस्ट रहेगा ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा JKP कांस्टेबल के लिए। ये 100 मार्क्स का रहेगा और ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल जो सिलेबस है सिलेबस वाइज वैसा ही मॉक टेस्ट बनाया गया है। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है। आपने करना क्या है, बिल्कुल पूरा टाइम लेके इस मॉक टेस्ट को अच्छे से देना, और आपने देखना है कि आप 100 में से इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है जनरल इंग्लिश का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 25 मार्क्स की ये पूछी जाएगी। और आप इसमें कोशिश करना कि आप इसमें 20 मिनट के अंदर अंदर ये 25 क्वेश्चन आप कर लो। सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश शुरू करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आर्टिकल्स का ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल्स भी आप में सिलेबस में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। विंडोज़ आर मेड ऑफ डैश बट हैव डैश ग्लास ऑफ वाइन। विंडोज़ आर मेड ऑफ डैश ग्लास बट हैव डैश ग्लास ऑफ वाइन। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो हम क्वेश्चनों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप सीधा इसका आंसर बता दो। राइट आंसर इसका रहेगा डी, ऑप्शन नंबर 2। जो पहली वाली फिलअप है यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, जो सेकंड वाली है वो आएगा ए ग्लास ऑफ वाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। अब आपने करेक्ट आर्टिकल डालना है इस ब्लैंक में। डैश मोन माउंट कोस्टिगू इज टालेस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये माउंट कोस्टिगू है, ये टालेस्ट माउंटेन पीक है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें क्या आएगा, ए एन द या नन ऑफ दी अबव, मतलब जी या नो आर्टिकल। क्या राइट आंसर इसका रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो माउंटेन पीक्स होते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो नो आर्टिकल इसका भी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आर्टिकल, ये आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी करेक्ट आर्टिकल। वास्को डी गामा वाज डैश डैश फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। ओनली द ए वेरी या एन, इनमें से क्या आने वाला है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, जो आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, द आएगा। जब भी कोई फर्स्ट फर्स्ट के साथ हमेशा ही द यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन आर्टिकल से ये है, डैश अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ डैश वर्ल्ड्स 5 ओशन। क्या आएगा इसमें? इसमें एक ब्लैंक हमने कम लगाई हुई है, तो यहाँ इसके आगे भी एक ब्लैंक है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दी अटलांटिक ओशन इज दी सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स 5 ओशन। तो इसमें तीनों में द आने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। शी इज बियरिंग डैश ब्लैक एंड डैश येलो साड़ी। ये भी आर्टिकल से एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप इसका आंसर कर पाते हो या नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शी इज बियरिंग ए ब्लैक एंड उसके बाद नो आर्टिकल एंड येलो सारी, ब्लैक एंड येलो सारी आएगा सिर्फ। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपको एरर ढूंढना है, फाइंड एरर प्रोनाउन से ये क्वेश्चन है। इट इज़ यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, या नो एरर। क्या आएगा, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, इट इज़ यू एंड आई जो है ये गलत है, ए में एरर है, इट इज़ आई एंड यू होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। अब ये भी एरर का क्वेश्चन है प्रोनाउन से, कैन यू गिव मी द सेम बुक विच यू वॉट यस्टरडे, ए बी सी या डी, नो एरर। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? इसमें जो एरर है वो है सी में, विच यू बॉट यस्टरडे, तो इसमें सी में जो है एरर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली। नाइदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली, नो एरर। क्या रहेगा इसमें? इसमें जो रहेगा वो रहेगा सी में एरर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, हार्मोनियम होमोफोन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस में है ये है क्वेश्चन। शी डैश अवे दी ओल्ड शूज एज देवर अनयूजेबल, ऑफकोर्स इट वॉज ट्रू दैट दे हैड डैश ए लॉट। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शी कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब होता है फेंक देना। दी ओल्ड शूज एज दे वेर अनयूजेबल, ऑफ कोर्स इट वाज ट्रू दैट दे हैड, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी पर फिर भी उसको फेंकने पड़े। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है बिल्कुल सही। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डैश वर्कशिप इज ए प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन्स। आपको फिल अप में भरना है क्या आएगा, आइडल बोलते हैं, आइडल बोलते हैं, आइडल बोलते हैं या आइडियल बोलते हैं। तो क्या राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर वन इसमें आएगा, वन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, दी ओल्ड डोर्स डैश वेन एवर दे आर ओपनड, क्रिक क्रीक क्राई क्रीक, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसका रहेगा क्रीक, CREAK। ये क्रीक का मतलब होता है आवाज़ करना, खटखट की आवाज़ करते हैं पुराने दरवाजे जब भी उनको खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर टू जिसने भी दे दिया है बिल्कुल सही है ये। अब ये टू फिलअप है, आपको ये भरना है, ये भी हार्मोनियम होमोफोन से क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी हार्ड टू से डैश टू ए पर्सन होम यू डैश वेरी वेल, तो क्या आएगा, नाओ नो नाउन न्यू या नो नाओ या नाओ या नाउन। तो राइट आंसर रहेगा इट इज़ वेरी हार्ड टू से नो, ना कहना बहुत ही मुश्किल होता है उस आदमी को जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अभी तक मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये मॉक टेस्ट देने में, बहुत ही मेहनत के साथ ये बनाया गया। तो वीडियो को प्लीज़ भाई लोग लाइक कर देना। वट शी इज़ दैट शी ही इज़ डैश पर्सन, तो इनमें भी क्या आएगा, मिंट मीन ग्रोन ग्रोन्ड मीन मिंट ग्रोइंग ग्रोन, क्या आएगा। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर वन, वट शी मेंट इज दैट ही इज ए मीन पर्सन। तो ऑप्शन नंबर वन जिसने भी दिया है बिल्कुल सही। दी थीव ब्रोक ओपन दी डैश अलमीरा टू डैश दी ज्वेल्स, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसमें आएगा दी थीव ब्रोक ओपन दी स्टील अलमीरा टू स्टील दी जेवल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बी राइट आंसर बिल्कुल रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा टाइम मतलब कि मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हो, पर आपको देना ये बिल्कुल बिल्कुल फेयर तरीके से आया, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और आपको कहाँ कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए बिल्कुल फेयर तरीके से इसको देना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है, दी डैश दी स्टूडेंट डैश मैजिक ट्रिक्स ऑन स्टेज नेक्स्ट वीक, तो क्या आएगा। ये टेंसेस से क्वेश्चन है, दी स्टूडेंट्स इज़ परफॉर्मिंग हैव परफॉर्म्ड विल परफॉर्म जो परफॉर्म, क्या रहेगा राइट आंसर। इसमें ये कोई डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, सीधा से मैं बता दूंगा। इसका राइट आंसर रहेगा जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा इसका, दी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीक को देख के आप इसमें विल परफॉर्म सोच रहे हो पर वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें बिल्कुल सिंपल, दी स्टूडेंट्स परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स ऑन स्टेज नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। दी प्लेन विल टेक ऑफ वैन दी थंडर स्टॉम विल स्टॉप शेल स्टॉप स्टॉप्स वुड स्टॉप, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही, टेंथ के ये क्वेश्चन चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। आपने हर सेक्शन में आपने देखना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, और जिसमें भी कम स्कोर आप करोगे उसको आप और मेहनत करने की भी ज़रूरत है। दी हाउस वाइफ डैश केक्स बर्निंग एंड रन टू स्विच ऑफ दी ओवन स्मेल स्मेल स्मेल्ट ज स्मेलिंग, क्या आएगा। तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है तो गलत है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सी स्मेल्ट, दी हाउस वाइफ स्मेल्ट। स्मेल्ट क्यों आया, क्योंकि ये स्मेल की सेकंड फॉर्म जो है वर्ब की वो होती है स्मेल्ट। दी हाउस वाइफ स्मेल्ट केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ दी ओवन, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आई होप आपने इसका कर दिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पंक्चुएट करना है इसको, अब आप इसको एक बार देख लो अच्छे से और मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा सीधा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर आपने इसको पंक्चुएट कर दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 सिनोनियम एंटोनियम से जरूर क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो रैंडम का आपने बताना है सिनोनियम, रैंडम का आपने सिनोनियम बताना है। तो इसका जो सिनोनियम है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चांस। रैंडम जैसे हम बोलते हैं पिक रैंडमली, कि बाय अब ऐसे ही आप चुन लो जिसका आपको पता ना हो, तो उसको चांस और रैंडम ये एक ही मतलब होता है, सिनोनियम है ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20
एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का सिनोनिम बताना है आपने, एनकाउंटर्ड एनकाउंटर्ड तो क्या रहेगा, फेस्ड सॉल्व्ड एंटर एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, इंटर का मतलब होता है अंदर जाना, सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को हल कर देना, और फेस का मतलब और इनकाउंटर का मतलब एक जैसा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर वन रहेगा। इनकाउंटर का जो सिनोनिम है वो है फेस्ड, सामना करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 लॉयल्टी, तो लॉयल्टी का एंटोनियम, एंटोनियम बताना है अपने, विपरीत शब्द बताना है लॉयल्टी का, लॉयल मतलब बंदा क्या होता है, लॉयल्टी का जो है एंटोनियम वो होता है ट्रीजन, ऑप्शन नंबर टू। लॉयल्टी का मतलब होता है जो ईमानदार होता है ना आदमी, तो लॉयल्टी का जो उल्टा होता है वो होता है ट्रीजन, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर रहेगा। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स घमंडी, तो एरोगेंट का एंटोनियम आपने बताना है, तो सामने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर वन हम्बल, हम्बल जो है ये एंटोनियम होता है एरोगेंट का। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर वन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में ये भी है। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल, तमिल डैश 2 मंथ, फ्रॉम सिंस बिफोर फॉर, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा फॉर 2 मंथ, डी इसका राइट आंसर रहेगा। डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे, आप आंसर करोगे और आप देखोगे आप कितना स्कोर कर पाते हो इसमें। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर नॉट सूटेबल डैश मोटर कार्स फॉर इन टू ऑफ, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आप कर पा रहे हो फॉर मोटर कार्स तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, हर रिप्स वेयर डैश बट नो लॉन्गर पेनफुल, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देखते हैं कि कर पाते हो या नहीं। स्वर सोर सौर श्योर, क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा बी सोर। सोर का मतलब होता है जो इसमें जो आने वाला है राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी सोर, हर रिप्स वेयर सोर बट नो लॉन्गर पेनफुल। तो हमारा इंग्लिश जो पोर्शन है वो 25 मार्क्स का जो था ये ख़त्म हुआ। आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से बेसिक से पढ़ना शुरू करो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा 25 मार्क्स का ये अकेला सेक्शन रहेगा, और आपको अगर आप अच्छी पकड़ होगी इसमें तो आप बाकी पेपर भी अच्छा कर पाओगे, अगर एक चीज़ भी गलत हो जाएगी तो बाकी भी उसके चक्कर में गलत हो सकती हैं, तो इंग्लिश पे आप अच्छी पकड़ बना के चलो। तो ये मॉक टेस्ट जो था 25 मार्क्स का इंग्लिश के जो पोर्शन का था ये तो हो गया कम्प्लीट, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें से अगर आपका स्कोर है 20+, तो 20+ अगर इसमें आपने स्कोर किया है तो आपका एक अच्छा स्कोर है, इसमें अभी आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ते रहो इंग्लिश को। और चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे जो कि है हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स इंडिया, ये भी 25 मार्क्स का है शायद से, तो इस पे चलेंगे। इन विच ईयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, ये क्वेश्चन जो है ये भी बिल्कुल सिलेबस वाइज क्वेश्चन है तो आप इसका भी आंसर करने की कोशिश करो। तो इसका राइट आंसर हम क्या करेंगे, 5 सेकंड का टाइम देंगे, नहीं कुछ ज़्यादा चाहिए आप वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो। ऑप्शन नंबर डी 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पूछा जा सकता है। इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया, वास्को डी गामा जो थे ये इंडिया में कब लैंड किए थे, 1498, 1462, 1500 या 1499, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा 1498 में, और कौन सी जगह पे आए थे ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। और जब ये आए थे तो तब इंडिया के रूलर कौन, वहाँ के रूलर कौन थे जो इंडिया में जहाँ पे ये आए थे, तो वो थे जैमोरिन। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया से भी क्वेश्चन बनने हैं। तो फर्स्ट कंट्री जो है दुनिया की जिसने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया था वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबल प्राइज, सबसे पहले भारतीय जिनको नोबल प्राइज जीता था, ये क्वेश्चन भी पक्का बन सकता है, नोबेल प्राइज सबसे पहले भारतीय ने किसने जीता था ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इंदिरा गांधी, जेआरडी टाटा, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर रहेगा सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, इनको किस फील्ड में मिला था नोबेल प्राइज। नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड, अब अवार्ड से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो फर्स्ट इंडियन जो थे जिन्होंने सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था वो थे ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट में जो आने वाले हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप क्या करना अच्छे से एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। वो आज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालवंकर, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न। अब देखो फर्स्ट वुमेन, और वो भी इंडिया में जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, किसको मिला था ये। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए बी सी या डी। तो अगर आपने इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, तो बिल्कुल सही। और ये इनको कब मिला था, 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड। और जो इंदिरा गांधी थी इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी के जो थे वो कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास, डी इसका राइट आंसर रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाली जो बुक है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि ये बुक किसने ऑथर की है, ए बी सी या डी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसको ऑथर किया गया है। तो हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, तो एक क्वेश्चन शायद हो सकता है कि इससे भी पूछा जा सके, वाइस रायस थे जो गवर्नर जनरल थे इनमें से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्ट था ये था बी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विच वॉज द फर्स्ट, अब न्यूज़पेपर वर्ल्ड भी है आपके सिलेबस में, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था इंडिया में वो था ऑप्शन नंबर ए बंगाल गैजेट, ए इसका राइट आंसर रहेगा। ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली, ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली इंडिया में कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी दी टाइम्स ऑफ इंडिया जो थी सबसे पुरानी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मातोश्री, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, अब इसका आप आंसर दे सकते हो या नहीं, आप इसका करो आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मातोश्री, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा महाजन, ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स पर रिटन बाय अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के द्वारा बुक्स किस कौन सी लिखी गई हैं। अब जो जीके ये पोर्शन होता है ना, अगर ये 25 मार्क का पूछा गया, आप जितनी मर्जी तैयारी करके जाओगे ना, तो इसका कोई पक्का नहीं है कि आपको आप इसमें से पूरे ही मार्क्स ले पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको उस टाइम पे क्लिक नहीं करेगा माइंड में, जब आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इससे इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा इसका कोर्स ख़त्म करके उसके बाद अच्छे से इसके MCQ प्रैक्टिस करके जाओ, तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छे से MCQ प्रैक्टिस किए हों तो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वेयर रिटन बाय अमीर खुसरो, तो राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ दी, अब ये सब बुकें अमीर खुसरो ने लिखी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सोर्स कोड माई बिगनिंग, सोर्स कोड माई बिगनिंग नाम की बुक, ये इंपॉर्टेंट बुक तो है पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है। तो ये बुक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल, ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। क्वेश्चन लैंग्वेजेस भी हैं आपके एग्जाम में, लैंग्वेजेस हैं, तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुश्किल है पर देखते हैं कि आप इसका कर पाते हो नहीं, अगर किसी ने कर दिया तो बहुत ही बढ़िया भैया। ऑप्शन नंबर सी कोक बुराक इज द राइट आंसर। गारो एंड खासी ये किसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, गारो एंड खासी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अगर आपने दे दिया तो बिल्कुल सही। ये याद रखना, गारो एंड खासी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, गारो एंड खासी। मेघालय कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, कैपिटल से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की कैपिटल आपको बतानी है। ब्यूनस एरिस, काबुल, एल्जीरियस, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा ब्यूनस एरियस। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ लेबनान, लेबनान की करेंसी से भी क्वेश्चन बनेंगे, वर्ल्ड की करेंसी से भी। नेम ऑफ करेंसी ऑफ लेबनान, लेबनान जो है देश उसकी करेंसी क्या है, वो है सी पाउंड्स। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ये भी हैं दो तीन। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड, UNO कब फाउंड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1945। इन 1945 हाउ मेनी कंट्री साइन द चार्टर ऑफ UNO, 52, 53, 51 या 63। तो राइट आंसर इसका रहेगा 61। 1945 में 51 कंट्री ने साइन किया था चार्टर ऑफ UNO। एबल प्राइज जो है ये किस के लिए अवार्ड दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में।
एबल प्राइज़ जो दिया जाता है वो दिया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हो, बेस्ट काम करते हो, तो एबल प्राइज़ आपको दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन से ईयर में भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, 1954, 1961, 1947 या 1950 में? तो ये जो राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा ए, क्या रहेगा, ए 1954। अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, 1954 में जब भारत रत्न दिया गया था तो किसको किसको दिया गया था, कितने आदमियों को ये दिया गया था और उनके नाम क्या थे? ये आप होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना एक बार देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। फाड़ जो पेंटिंग है ये कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है, राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर ए राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। देयर शैल बी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रेजिडेंट होगा इंडिया का? तो ये जो है इसका है आर्टिकल 52, ए इसका राइट आंसर है। हमारा सेकंड पोर्शन जो है जीके एंड करंट अफेयर्स का ये अभी ख़त्म होता है। तो इसमें से क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी थे, इसी तरह का आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, कुछ मुश्किल होंगे और कुछ बहुत ही आसान होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग पता नहीं है या नहीं, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है नहीं पता है आपको, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिर आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका रहेगा 52। और इस 25 में अगर आपने 16+ स्कोर किया है तो आपका एक स्कोर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और आपने अभी दो जो पोर्शन हो गए इनके स्कोर प्लस करने हैं और लास्ट में बताना भी है कितने हुए। अब थर्ड पोर्शन जो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, लीस्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, 10 मार्क्स की ये है। तो ये तो आसान सी ही रहेगी, पर एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ड्यूरिंग विच कारकोटा डायनेस्टी रूलर चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग विजिटेड, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ वर्धना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, दी उरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, उरी डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, रावी, जेलम, तवी या चेनाब? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू जेलम रिवर। तो हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री किसने बनाई थी, ए बी सी या डी? तो ये जो इंडस्ट्री कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में इंट्रोड्यूस की गई थी, ये की गई थी ए जैन उल आबदीन, ऑप्शन नंबर ए। विच लेक इज नोन एज जेवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर, कौन से लेक को कहा जाता है जेवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर डी को कहा जाता है, डल लेक को कहा जाता है जेवलिन द क्राउन ऑफ कश्मीर। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद विच सिटी, रावलपिंडी, उधमपुर, सियालकोट या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सियालकोट। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर पूछा बहुत बार क्या, मैक्सिमम बार पूछा ही जाता है ये। तो वो है वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड, अब ये जो है आरटीआई एक्ट ये भी आपके एग्जाम में इस बार दिया हुआ है सिलेबस में, तो आरटीआई एक्ट ये कब इनेक्ट हुआ था? राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2005। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज हेल्प मीडिएट द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर से भी क्वेश्चन बनेंगे, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प नहीं की थी? तो राइट आंसर, आप इसका टाइम लेके आप मजे से इसका आंसर दो। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो थी इन्होंने मदद की थी इंडस वाटर ट्रीटी बनाने में। तो ये कब साइन हुई थी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है ये, 19 सितंबर 1960 को। और इसके बाद ये कितनी रिवर्स के ऊपर बात करती है, ये 6 रिवर के ऊपर बात करती है, और ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो एक बार इंडस वाटर ट्रीटी को भी पढ़ के जाना। विच इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन लद्दाख, तो लद्दाख में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है, ए है हेमिस मोनेस्ट्री, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस मुगल गार्डन इज श्रीनगर वेयर बिल्ट बाय विच किंग, कौन से राजा ने ये बनाए थे, फेमस मुगल गार्डन है कश्मीर?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो हमारा 10 मार्क्स का ये पोर्शन भी खत्म हुआ, 60 मार्क्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। तो इसमें से 10 में से अगर आपका 8+ स्कोर है तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल नहीं था, सिर्फ 2-3 ही इसमें थोड़े से मुश्किल थे क्वेश्चन, बाकी तो आसान ही था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में किया है, ये पहले 10 मार्क्स का पहले है और 5 मार्क्स का आपका ये लास्ट में होगा। तो सबसे पहले 10 मार्क्स का शुरू करते हैं। दी स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इंफॉर्मेशन आर ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज डिजिट, बाइट, बिट या मेगाबाइट। तो आप में बेसिक लेवल का ही पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऐड हुआ इस बार तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बिट। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है कंप्यूटर की, तो आप बिल्कुल एक सिंपल सी बुक लो और सिंपल से किसी भी अच्छे टीचर से आप इसको पढ़ना शुरू कर दो बिल्कुल बेसिक से, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पूछा नहीं जाएगा कंप्यूटर, तो आप मज़े से इसका तैयारी शुरू कर सकते हो। ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेवलप्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आ चुके थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड, ए बी सी जडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, उसको कहते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे यूज किए जाते हैं कोई टास्क को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया बोलने में, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यूएसबी की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए है यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्मार्ट बस, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बस। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज ए डैश, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेबल, फील्ड, फार्मूला या वेरिएबल? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, फार्मूला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, तो क्या इसमें का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कमांड कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन जो कमांड है ये किस के लिए यूज़ की जाती है, तो ये यूज़ की जाती है ऑप्शन नंबर सी, न्यू डॉक्यूमेंट, एन से न्यू, तो न्यू डॉक्यूमेंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एसएमटी की पी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, वो होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पीओपी की होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, इन आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, तो 60A, 66B, 66F, 45F, तो ऑप्शन नंबर सी, 66F इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ किया जाता है, प्रिवेंट, डिटेक्ट, रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम, एंटीवायरस, साइबर एडवेयर, फायरवॉल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस इज द राइट आंसर, क्या राइट आंसर रहेगा, एंटी वायरस, एंटीवायरस जो है यूज़ किया जाता है प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए मलेशियस प्रोग्राम को। तो 10 मार्क्स का ये ख़त्म हुआ, तो ये अभी लास्ट में 5 मार्क्स आपको लास्ट में दिए गए हैं ताकि आपका थोड़ा सा स्कोर और अच्छा हो सके। 10 में से अगर आपने इसमें ये लास्ट में ही बात करेंगे कि 15 में से आपने कितना स्कोर इसमें करना था। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल रीजनिंग। क्या क्या है इसमें, मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में है, मैथ और रीजनिंग, ये 25 मार्क्स का है, ये गेम चेंजर साबित होगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है मैथ और रीजनिंग। आप अगर स्कोर मैथ में अगर आप अच्छे हो तो पहले कर सकते हो, नहीं तो मैथ और रीजनिंग को आप लास्ट में ही करना, अपना टाइम बचा के मज़े से करना, क्योंकि गलत होने का चांस इसमें होता है और टाइम आपका बहुत ज़्यादा किल कर देगी ये। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, रीजनिंग बहुत ही बेस्ट लेवल से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, अगर आपको क्लासेस चाहिए होंगी वो भी मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि आप इसमें कितना सोच पाते हो, तो आंसर आपका इससे ही निकलेगा या नहीं। 1 के बाद है 6, 6 के बाद है 31, 31 के बाद 156, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद 3906, आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर आप इस पर फिर बताओ कि इसमें क्या आने वाला राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर क्या आया आपका, 1 2 3 4। आप इसमें आप रीजनिंग को अगर आपको टाइम चाहिए तो 20 सेकंड का टाइम मैं खुद रुक के दूंगा, और बाकी अगर आपको फालतू चाहिए 1 मिनट तक तो वो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हो। तो 10 सेकंड का आपको आपको टाइम अभी मैं देता हूँ, करने की कोशिश करो। तो अगर आपने इसको कर लिया है अभी तक तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा, इसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है, अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो तो देखो कि पहले बहुत ही छोटी रकम और लास्ट में बहुत बड़ी रकम। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आप 1 को करते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, 1 को करते हो, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 करते हो 6 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 1 करते हो 31, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 1 करते हो तो कितना आएगा, 156। अगर 156 को भी इसी तरह से हम करेंगे तो कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, फिर 8 2 और 7, 80, और प्लस 1 सभी के साथ हो रहा है तो 781 इसका राइट आंसर रहना चाहिए। इस तरह से आप अच्छी अप्रोच लेके चलोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से रीजनिंग के बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन में निकल जाएंगे। विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो, आपको ये इसमें रिलेशनशिप बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो 54 के साथ रिलेशन है 20 का, तो 67 के साथ किसका होगा। अभी आप ये क्वेश्चन देख के हिल जाओगे कि ये क्या बवाल चीज़ है, इसको कैसे किया जाएगा। तो कई बार अगर आप कहीं गहरे सोचने लग पड़ते हो कि इसमें प्लस हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें कितना माइनस हुआ, कितना प्लस हुआ, जब कुछ करके क्या क्या किया है, तो उस तरह से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा और आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखो, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, इसी तरह से अगर 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 42 आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन आप अगर जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है तो रीजनिंग का क्वेश्चन कई बार क्या गया, 5 10 सेकंड में ही आपको लॉजिक पता चल जाएगा, और जब लॉजिक अटक गया आपको नहीं पता चल रहा तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम खा के जाएगा, ख़त्म करके जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करने की कोशिश करो। मैं रुक जाता हूँ, मैं आपको पूरे 30 सेकंड का टाइम दूंगा, इसको करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, थोड़ा सा मुश्किल ये है पर आप इसको कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर आप इसमें देखो, आपको टाइम लेने की ज़रूरत है, 1 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसमें। अगर आप इसको प्लस करोगे, टी की पोजिशनल वैल्यू होती है 20, कितनी होती है 20, उसके बाद ओ की कितनी होती है हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, 15, उसके बाद एम की होती है 13, इन तीनों को करो प्लस, कितना आएगा, 20 और 15 35 और 13 48, 48 आ गया। इन दोनों को जो आया है इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 8 4 का कितना होता है 32। इस तरह से ये है, पहले प्लस और जो लास्ट में आएगा उनको कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आएगा। अब कैटल में सी कितना है, 3, सी है 3, ए है 1, टी कितना होता है, टी आपको पता है 20, और 20 दो बार है तो 40 हो गया ये। एल कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा कि ये पोजिशनल वैल्यू इसकी कितनी होती है, कोई आप ट्रिक लगा सकते हो या किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। तो ई का होता है 5, अब इनको कर दो प्लस, 40 41 44 44 और 2 46 और 10 56 56 और 5 61 61 हो गया, और इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो 6। इस तरह से अगर आप अप्रोच लेके चलोगे तो हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब इन वर्ड्स को आपको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, मंकी एलिफेंट माउस फ्लाई लाइन। ये पूरी स्लाइड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत ही बहुत सॉरी सॉरी, तो आपको मैं ये नीचे से ऊपर करके दिखा देता हूँ, और अब आप क्वेश्चन करने की बताओ। तो अब ये मैं बता देता हूँ कि इतना ही आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ कि जो पहले दो में से कोई आंसर आया इसका। अब ये देखो, जब भी मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको करना है, मैं एनिमल्स के नाम दिए, छोटे से बड़ा होगा या बड़े से छोटा होगा। इनमें से देखो कि सबसे 3 जो है ये माउस है, सबसे छोटा इनमें से नहीं है। तो 4 में जो है ये फ्लाई है, ये सबसे छोटी है इनमें। तो अगर मैंने बता दिया कि इन दोनों में से कोई है तो 4 वाला ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप कर सकते हो कि आप इसका आंसर इसका आपका क्या आता है।
अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अगर प्लस ए को डिनोट करते हैं प्लस से, तो डी को किसे डिनोट करते हैं? डी डी का मतलब है डिवाइड, इधर यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो चुका है, डी का मतलब है डिवाइड, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन चीज़ की वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर अगर आपने कर दिया है तो 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे अब इसको डी की जगह, यहाँ पे जगह कम है तो नहीं तो मैं करके बता देता आपको। तो अगर आप सभी वैल्यूज पुट करोगे तो राइट आंसर इसका 1 ही आएगा। इनमें जो आपको ये चीज़ें दी होती हैं इनकी वैल्यूज पुट करनी है और इनको क्वेश्चन इसका लास्ट में निकाल देना, सॉल्व करना है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 6, चेतन इज द ब्रदर ऑफ पूनम हुई सिस्टर ऑफ फलक हुई डॉटर ऑफ रिधि, शिवम इज फादर ऑफ चेतन एंड सन ऑफ मारिया, हो रिधि इज रिलेटेड टू मारिया, राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन में आप ले लो 25 सेकंड्स का टाइम, मैं तब तक चुप रहूंगा, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक बार आप बेसिक से सब कुछ पढ़ लो फिर आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चन ये लग पड़ेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, डॉटर इन लॉ। कैसे आएगा देखो, चेतन इज द ब्रदर ऑफ पूनम, चेतन को बताया गया है कि ब्रदर है पूनम का। हम लड़के को डिनोट करते हैं स्क्वायर से और लड़की को डिनोट करते हैं किसे, ब्रदर ऑफ पूनम। पूनम क्या है, सिस्टर है फलक की, ये तीनों भाई बहन हो गए। तो फलक जो है डॉटर है रिधि की, फलक किसकी डॉटर है, रिधि की, तो ये हो गया, ठीक है नहीं। शिवम फादर है चेतन का, ये आ गया शिवम, शिवम आ गया फादर चेतन का। अगर शिवम फादर है चेतन का, फलक की मम्मी है ये रिधि, और ये दोनों फिर आपस में पति पत्नी हो गए ना। उसके बाद है शिवम फादर है चेतन, सन ना मारिया, ये किसका बेटा है, जो शिवम है ये मारिया का बेटा है, इसका बेटा है ये। अगर ये इसका बेटा है और उसकी पत्नी रिधि है तो ये उसकी डॉटर इन लॉ लगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अब आपको रिलेटेड वर्ड बताना है इन अल्टरनेटिव से। गूमर अगर राजस्थान से बिलोंग करता तो गुजरात से क्या बिलोंग करेगा, ऑप्शन नंबर 2 गरबा। बिल्कुल जल्दी से आप इसको कर दोगे 1 सेकंड में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, करो इसको ट्राई, क्या आएगा? आपको देखने में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा कि शायद क्या है इसमें, एक ही नंबर बढ़ रहा है। पर अगर आप इसमें अगर सिंपल सी अप्रोच करोगे कि इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये 137 हो जाएगा, तो +45 करेंगे तो ये निकालने के लिए आप सभी सीधा माइनस करते जाओ, तो 137 में क्या ऐड करेंगे, 182 हो जाएगा। तो इसमें भी 45, सब में 45 ऐड हो रहा है, तो आगे इसमें भी 45 ऐड करो, तो 317 राइट आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 2। कई बार क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है पर वो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है ऑब्जर्वेटरी को आपने देखना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा दिया हुआ है जो इसमें से नहीं हम बना सकते, सी बूट, सर्विस, रूस्टर, द बेस्ट। बीस सेकंड का टाइम है, मैं तब तक चुप हूँ, आप इसको करने की कोशिश करो। आपको इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें है क्या नहीं है। अब सर्विस में आपको सी दिख रहा है, सी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको सी कहीं दिख रहा है, अगर यो है ही नहीं, नीचे है ही नहीं, तो ये किस कैसे बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है कि सर्विस जो है वो नहीं बन सकता, बाकी सब बनेंगे। अब आपको ऑड वर्ड बताने हैं इन सब में से, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे, ये देखो, ए के बाद क्या आता है, बी, कोई गैप नहीं है, बीच में सी डी का गैप है, ई आया, एच के बाद क्या आता है, आई, जे के का गैप है, एल आया, तो ये दोनों सिमिलर है। इसी तरह से यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू एक्स का गैप, तो वाई, ये भी सिमिलर है, तीन सिमिलर हो गए। अब ये देखो, एम के बाद एन आना चाहिए था अगर इस तरह का ये लॉजिक फॉलो कर रहा होता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर है, नीचे जो भी दिया हो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब आपको सीरीज दी हुई है, एक नंबर मिसिंग है, आपको वो बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, WQLH और क्वेश्चन मार्क और सी, राइट आंसर क्या रहेगा। क्या रहेगा राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे। अब यहाँ देखो कि यहाँ से आप देखना शुरू करो, सी के बाद एक छोड़ा डी, ठीक है, आया ई, ई के बाद एफ जी दो छोड़े तो एच, एच के बाद फिर तीन छोड़ने पड़ेंगे, आई जे के छोड़ा तो एल, तो इस तरह से एक एक बढ़ता जा रहा है, बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो ई इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपको एल बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 1536 अगर बन जाता है, 1356, 1356, तो 4627 क्या बनेगा, क्या राइट आंसर रहेगा इसका। तो अगर आपने कर दिया तो ऑप्शन नंबर बी, ये किस तरह से है देखो, वन अपनी जगह पे है तो फोर को अपनी जगह पे रख दो, अब फाइव जो है दूसरी से तीसरी जगह पे चला गया तो इसको सिक्स को तीसरी जगह पे ले जाओ, ठीक है नहीं, उसके बाद तीसरा नंबर वाला दूसरे नंबर पे, तो दो पहले आ जाएगा, 4 2 6 बचा 7, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अब आपको इस तरह से इसको बांटना है कि इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए, तो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, क्या राइट आंसर इसका रहेगा। सबसे पहले आप इसको गिन लिया करो, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 है, तो मतलब या तो तीन का बनेगा जोड़ा या फोर का बनेगा, दोनों में से एक, तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले सी है तो सी लगा देते हैं, ए बी सी, ठीक है नहीं, ए बी सी, अब ए बी सी के बाद फिर से सी है तो साथ में नहीं आएगा, सी के बाद उल्टा कर देते हैं बी ए, देखो सी बी ए सबसे पहले किस में है, तो इसमें है, तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा ए बी सी, उसके बाद सी बी ए, उसके बाद फिर से ए बी सी, इस तरह से ये चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी मैंने आंसर ही दिखा दिया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ बन जाएगी साउथ वेस्ट, तो वेस्ट क्या बन जाएगी, ये बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। किस तरह से, ये देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा इसमें ये बनाने में डायग्राम मुश्किल होती है, तो ये है ईस्ट मान लिया हमने, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इनके बीच में जो होते हैं वो उन दोनों का नाम होता है, नॉर्थ बन गया साउथ वेस्ट, नॉर्थ कहाँ पे है, ये है नॉर्थ, तो साउथ वेस्ट कहाँ पे है, ये इसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में, तो यहाँ पे इतना घूमा फिर इतना घूमा फिर इतना घूमा, मतलब 135 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट कहाँ पे है, ये 90 डिग्री और 130, तो साउथ ईस्ट, इस तरह से जगह थोड़ी सी कम है पर डी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, कितना घूमा है उतना ही घूमना है। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, स्टेटमेंट कंक्लूजन से, स्टेटमेंट है कि कोई भी टीचर स्कूल बाईसाइकिल से नहीं आता पर राम स्कूल आया बाईसाइकिल से, तो सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया है राम इज़ नॉट ए टीचर, कि राम टीचर नहीं है क्योंकि टीचर बाईसाइकिल से आता नहीं पर राम स्कूल आया बाईसाइकिल से, तो पहला ठीक है, राम इज़ ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, दूसरा बोला कि राम स्टूडेंट है स्कूल का, ऐसा नहीं है कि राम स्टूडेंट है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टूडेंट ही हो, क्या बता वो कोई गार्डियन हो, क्या बता वो कोई स्कूल में पीएन वगैरह हो, सिर्फ ये बात है कि जो टीचर है वो बाईसाइकिल से नहीं आएगा, बाकी तो सब आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत कंक्लूजन गलत है, ओनली कंक्लूजन 1 इज़ 2, तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो 15 नंबर का जो हमारा रीजनिंग पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, अब हम चलेंगे मैथ के ऊपर, मूव करेंगे मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम इसमें लग जाएगा, अब आप इसमें क्या करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, आप करो, अगर हो गया ठीक, नहीं तो मैं आंसर आपको बता दूंगा। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये, इनमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आप वीडियो कोई भी अच्छी सी देख लो मैथ की, तो नंबर, ये नंबर में से जो है ये अच्छे से आप इसको पढ़ लेना तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, कुछ गैप वगैरह ढूंढते हैं जैसे इनको प्लस करके दूसरे को प्लस करके गैप देखते हैं तो आंसर निकल जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द नंबर 6 3 3 6 6 3 3 पी इज डिविजिबल बाय 132, तो वैल्यू ऑफ पी आपको बतानी है। वीडियो पॉज करके आप इस पे एक मिनट का टाइम ले सकते हो, 45 सेकंड से एक मिनट। लेजेंड बंदे, प्रो बंदे इसको 25 सेकंड में ही कर लेंगे, और जिनका टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, अगर आप इसको एक बार अच्छे से एक बार इसको स्टार्टिंग से पढ़ लोगे तो आप भी बहुत ही आसानी से इसको कर पाओगे। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, 6। क्वेश्चन नंबर 18, हर तरह के क्वेश्चन है, जिस तरह का सिलेबस है उसी तरह के क्वेश्चन है। एक टाउन की पॉपुलेशन है 189,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स आर रेस्ट फीमेल, 4/9 जो है मेल्स हैं और बाकी फीमेल हैं, 15% मेल्स आर मैरिड हैं। तो आपको मैरिड पॉपुलेशन की बतानी है, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो क्या राइट आंसर इसका रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 44, 4/9%। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी इनेबल्स ए डीलर टू परचेज 25 kg मोर टी फॉर RS 22500, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ टी? 70, 80, 90, 100? मजे से 1 से 1.5 मिनट लेके क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर आप इसको मैथ को हमेशा अगर लास्ट में करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा। और साथ में याद रखो कि अगर आपने कम से कम 20 या 25 मिनट भी बचाए हैं मैथ के लिए लास्ट में, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा लगता है कि ये लगवाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप उस टाइम देखते ही उसको स्किप करो, लास्ट में करने, बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है 1 मिनट 1.5 मिनट में हो जाएगा, कई बार वो 3-4 मिनट भी आपके वेस्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर, एग्जामिनेशन हॉल ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट 10% लेस देन सी, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी। इफ डी गॉट 320 मार्क्स देन मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए वर, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चांस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीडियो पॉज करके आप इसको क्वेश्चन निकाल के आंसर देना। कास्ट ऑफ स्कूटर इज आर एस 50,000, इसकी वैल्यू हर साल 12% गिर जाती है, 2 साल के बाद इसकी कितनी वैल्यू होगी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, चलो बता देता हूँ मैं। इसका राइट आंसर रहेगा ए, अगर आ रहा है आपको तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव आर नंबर इज 68, क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और इसका राइट आंसर देने की आप कोशिश करो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वीडियो रोक के आप इसका आंसर करो, कोई जल्दी नहीं है। इस वैल्यू का आपने सम बताना है क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी। कविता सविता एंड बबीता आर वॉकिंग फ्रॉम पी टू क्यू एट द स्पीड ऑफ 58/2 द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। कविता सविता एंड बबीता आर वॉकिंग फ्रॉम पी टू क्यू एट द स्पीड ऑफ 5:8:2 द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ऑल टू रीच द क्यू विल बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन में शायद कुछ गलती हो सकती है, तो इसको स्किप कर, पिछले क्वेश्चन को स्किप करो, उसका 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप उसमें 1 मार्क अपना जोड़ लेना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर 16 और उनका प्रोडक्ट 6400, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम लास्ट जो पार्ट, इसके बच रहे 5 क्वेश्चन, 3 के 5 नंबर। अगर किसी के 17 के पास नंबर बने हैं तो आपको 5 नंबर फ्री में मिलने जा रहे हैं, देखते हैं कि आप इसमें कितना अच्छा कर पाते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर डी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस डैश इंटर, क्या आपको प्रेस करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस पी। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर सी डिवाइस ड्राइवर। सी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इस 100 मार्क्स के हमारे मॉक टेस्ट नंबर 1 का। MS Word स्पेल चेक इज अंडर विच मीन्यू? स्पेल चेक किसके नीचे आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, रिव्यू के अंडर आता है। तो हमारे 100 मार्क्स का पहला मॉक टेस्ट जो है भगवान की दया से बिल्कुल अच्छे से हो चुका है,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट सारा ढूंढ के अच्छे से कंपाइल करके बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट नंबर 1 बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम एम करते हैं 300+ लाइक्स का, और आपके प्यार की बदौलत ये सब हो सकता है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ये फ्री में PDF मिल जाएगा। और अभी इसी तरह के मॉक टेस्ट और भी आएंगे, मैं 5 से 10 मॉक टेस्ट फ्री में बनाने की कोशिश करूँगा कि आपको कुछ भी पे ना करना पड़े और आपको क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाए। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, पर आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, तो हम फिर मेहनत अच्छे से कर पाएँ। और आपको अगर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। बाय बाय एंड टेक केयर।